हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में जन्म से ही होता है। इस बीमारी में बच्चे का शरीर इतना कमज़ोर होता है कि बैठना उठना तो दूर, वो इतना तक कि अपने गर्दन भी ठीक से नहीं संभाल पाते हैं। हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है हाइपोक्सिया इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी। इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम घर में बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुनीत, आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं एक बिल्कुल ही अलग सेटअप में हूं। मैं हूं एक स्पेशल स्कूल में और यहां का एक प्यारा स्टूडेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी को हम फ्लॉपी चाइल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हमने पिछले एक वीडियो में बहुत ही विस्तार में चर्चा किया है। आप ऊपर दिए गए लिंक में आप विजिट करके ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी का सबसे बड़ा कारण है हाइपोक्सिया इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी। हाइपोक्सिया इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी एक मेडिकल कंडीशन है जो तीन शब्दों से मिलके बना हुआ है, हाइपोक्सिया, इस्चीमिया एंड एन्सेफेलोपैथी। हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई। जब हमारे शरीर में किसी कारणवश ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है हमारे शरीर के टिश्यूज़ में, तो इस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। इस्चेमिक, जब हमारे शरीर के टिश्यूज़ में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाए तो इसे हम इस्चेमिक या इस्चीमिया कहते हैं। एन्सेफेलोपैथी, ब्रेन इंजरी, किसी भी ब्रेन इंजरी को, अगर ये इंजरी ब्रेन में हो तो इसे हम एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई के कमी के वजह से जो इंजरी होती है उसे हम हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। ये यूजुअली ड्यूरिंग बर्थ के समय में या बर्थ के बाद भी हो सकता है। बर्थ के समय, जैसे मान लीजिए डिलीवरी के समय में अगर फॉर्सेप्स डिलीवरी हो, अम्बिलिकल कॉर्ड हमारे गले में अटक गया हो, तो ये हो सकता है। और अगर जन्म के बाद तुरंत अगर डिलेड बर्थ कराई हो तो भी ये हो सकती है। तो इसकी वजह से ब्रेन में से टिश्यू में जो डैमेज होती है उसका जो सिम्टम्स हमें शरीर में दिखाई देता है, जिसके वजह से बच्चा ना खड़ा हो पाता है, ना बैठ पाता है, ना लुढ़क पाता है, इतना तक कि वो अपना गर्दन भी ठीक से नहीं संभाल पाता है। कहले कुछ घरेलू उपाय हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है पोजीशनिंग। आप बच्चे को एक स्लाइडिंग बोर्ड, जैसे आपकी आप वीडियो में देख सकते हैं, एक इंक्लाइंड बोर्ड कहेंगे इसको, इंक्लाइंड बोर्ड में आप इसको बच्चे को इस तरह से लेटा दें और उनके सामने में कुछ खिलौना वलौना रख दें ताकि उनका ध्यान बना रहे और वो अपना गर्दन को उठाने की कोशिश करे। ये गर्दन के लिए है। उसके साथ साथ आप घर में कॉर्नर चेयर आता है, जो आप रिहैबिलिटेशन सामान मिलता है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। कॉर्नर चेयर में अगर आप बैठा देंगे तो वो बहुत अच्छे से इसमें बैठने का प्रैक्टिस होगा, जिसमें कमर में मजबूती आएगी। अगर कॉर्नर चेयर नहीं मिलता है तो आप फिलहाल घर में दीवारों में जो कोना होता है उसमें आप बैठा सकते हैं। फिजियोथेरेपी में भी हम काफ़ी मदद करते हैं। फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोनों ही इसके लिए अच्छा सॉल्यूशन है। नेक कंट्रोल एक्सरसाइज कराते हैं, ये चीज़ हम एक्सरसाइज बॉल के थेरेपी बॉल में भी करा सकते हैं। उसके साथ साथ हम इनको स्प्लिंट और ब्रेसेस भी पहनाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा आया, हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वाला वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप सबको मिले। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।